हेलो एवरीवन, टैरिट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह संडे को मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अनएक्सपेक्टेड न्यूज़। आने वाले हफ्ते में आपके साथ क्या वो चीज़ें हो सकती हैं जो अनएक्सपेक्टेड हो, जो आपने सोची भी ना हो और वो आपके साथ हो जाए, तो ये जानने के लिए हम कोशिश करेंगे थ्रू टैरो। और कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, तो जो भी पॉजिटिव आए भगवान करे वो सबसे रेजोनेट करे। अगर कुछ नेगेटिव आता है तो सतर्क रहिएगा, ठीक है। सो, ये हमेशा की तरह मैंने गाइडेंस और मेजर अरकाना से हम देखते हैं कि ज़्यादातर लोगों के साथ क्या हो सकता है। तो मेजर अरकाना से मैंने कुछ कार्ड्स निकाले हैं और गाइडेंस रखी है। अब हम देखते हैं टैरो से कि क्या हो सकता है आने वाले हफ्ते में जो कि आपने सोचा ना हो और वो आपके साथ हो जाए। प्लीज़ गाइड करें अनएक्सपेक्टेड क्या हो सकता है मेरे व्यूअर्स के साथ। आई नीड 8 कार्ड्स, 8 कार्ड लेंगे हम। लेट्स स्टार्ट। 1, 2, ओके। और कोई कार्ड आना चाहता है? बॉटम ऑफ द डेक है 7 ऑफ वैंड्स, स्टैंड लेते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है कि बहुत टाइम से आप किसी सिचुएशन में जगल कर रहे थे, स्टैंड नहीं ले पा रहे थे, लेकिन अब आप स्टैंड लेते हुए दिख रहे हैं, या आपकी तरफ कोई ऑब्स्टिकल से बाहर आते हुए दिख रहे हैं। देखते हैं क्या कार्ड्स आए हैं हमारे पास। फर्स्ट कार्ड है 2 ऑफ वैंड्स। ये कार्ड बता रहा है कि हो सकता है कि आप किसी ऐसे कन्फ्यूजन में पड़ जाएं अचानक कि आपको किसी एक को चुनना पड़े, एक को छोड़ना पड़े। अनएक्सपेक्टेडली आपके लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस आके खड़ी हो सकती हैं आने वाले हफ्ते में, जिसमें एक तरफ आपका कोई अपना हो और दूसरे तरफ भी आपका कोई अपना हो और आपको किसी एक को चुनना हो। दूसरा, करियर वाइज अगर हम कहें तो आप किसी सिचुएशन को लेकर या किसी जॉब में अगर आपने अप्लाई किया है या किसी भी सिचुएशन में आप कंफ्यूजन में हो सकते हैं। अनएक्सपेक्टेडली एक कंफ्यूजन आके खड़ा हो जाएगा कि आपको किसी एक को लेना है, एक को छोड़ना है वाली एनर्जी दिख रही है। दूसरा कार्ड है 8 ऑफ सोर्ड्स। अचानक से यहाँ पर किसी सिचुएशन में ट्रैप्ड फील कर सकते हैं, जैसे कि आपको जेल में कैद कर दिया गया हो। किसी सिचुएशन में आप चाहते हुए भी कोई एक्शन ना ले पाना, बंधा हुआ फील करना, ट्रैप्ड फील करना, बोर होना, इस तरह की एनर्जी दिख रही है। ट्रैप्ड इन फियर, डर लग सकता है आपको किसी से, किसी का डर आपको सता रहा है। किसी को खोने का डर हो सकता है, किसी को ना पाने का डर हो सकता है, या किसी सिचुएशन में लॉस होने का डर हो सकता है। किसी सिचुएशन में अटका हुआ, बंधा हुआ फील कर सकते हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स, बहुत सतर्क रहिए आने वाले हफ्ते में। भगवान ना करे कि ये एनर्जी किसी से रेजोनेट करे, बट आपको धोखा मिलने के चांसेस हैं। किसी तरह की दुख तकलीफ आपको मिल सकती है किसी अपने से, कोई अपना आपको तकलीफ दे सकता है, परिवार का कोई सदस्य, या जॉब में या करियर में किसी तरह का धोखा आपको मिल सकता है पार्टनरशिप में, तो सतर्क रहें, बहुत ध्यान दें। यहाँ से ये भी कार्ड यही बता रहा है, किसी तरह की चोरी, किसी तरह का लॉस, इनसिक्योरिटी किसी चीज़ को लेकर, चाहे वो कोई पर्सन हो, चाहे वो कोई सामान हो, बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील करेंगे। तो ये 4 कार्ड्स यही बता रहे हैं कि आने वाले हफ्ते में कंफ्यूजन, डर, इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा हो सकती है। हो सकता है किसी अपने को लेकर बहुत इनसिक्योर हो, किसी की हेल्थ को लेकर बहुत इनसिक्योर हो, किसी सिचुएशन में अचानक से ट्रैप्ड हो जाएं, या कोई कंफ्यूजन आके खड़ी हो जाए, ठीक है। ऑब्स्टिकल्स मैंने बॉटम की एनर्जी देख के ही बता दिया था कि ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं आने वाले हफ्ते में। फिर हमारे पास है 10 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर फाइनेंशियली अबंडेंस दिख रही है। कोई घर ले सकता है अनएक्सपेक्टेडली, कहीं नया घर में शिफ्ट हो सकते हैं, किसी तरह का ट्रांसफ़र हो सकता है नए घर में, या फिर
खुद का घर बुक कर सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, किसी तरह का मॉनेटरी बेनिफिट आपको हो सकता है, ठीक है। शादी को लेकर कोई कमिटमेंट आपको मिल सकती है या आप दे सकते हैं। फोर ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर ये कार्ड दिखा रहा है कि बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होंगे आप किसी को लेकर, किसी अपने को लेकर, चाहे वो आपकी फैमिली मेम्बर हो, चाहे वो आपके पार्टनर हो, किसी को लेकर बहुत ज़्यादा आप पॉजिटिव हो सकते हैं। पैसों का खर्च भी आप थोड़ा कम कर सकते हैं, हो सकता है आप बहुत खर्चीले इंसान हो, लेकिन आने वाले हफ्ते में आप थोड़े बचत करते हुए दिख रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। किंग ऑफ सोर्ड्स, अपनी पावर में रहेंगे आप आने वाले हफ्ते में, और अपने लाइफ में ऐसी चीज़ों को कट ऑफ कर सकते हैं जो आपको हर्ट कर रहा है, जो आपको तकलीफ़ दे रहा है, जो आपको धोखा दे रहा है। बहुत पावरफुल इमर्ज होते हुए दिख रहे हैं आप, बहुत ज़्यादा अपने आप को ग्रो करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर ये भी हो सकता है कि अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है आपके लाइफ में जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा तकलीफ़ सह रहे हैं या बहुत ज़्यादा आपको धोखा मिला है, तो वो थर्ड पार्टी एंड हो सकती है, ठीक है। जिसकी वजह से आप हर्ट हो रहे थे, वो सिचुएशन ख़त्म हो सकती है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर ये भी सिचुएशन दिख रही है कि आप में से कई लोग ऐसे हैं जिन्हें मनचाही जॉब नहीं मिल रही है या मनचाहा करियर नहीं मिल रहा है, जिस जॉब में है वहाँ सेटिस्फाइड नहीं है, या जिस बिज़नेस में है वहाँ ग्रोथ नहीं है, अबंडेंस नहीं है, प्रॉफिट नहीं हो रहा है, लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो आप बहुत ज़्यादा, एक होता है ना कि क्या करें, पेशेंटली आप किसी चीज़ को लेकर प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं आने वाले हफ्ते में, और उस प्लानिंग का आप इम्प्लीमेंटेशन करते हुए भी दिख रहे हैं। आप कोई ना कोई स्टेप ले सकते हैं, जो आप बहुत टाइम से सोच रहे थे बट आप नहीं ले पा रहे थे, वो स्टेप आप ले सकते हैं। फिर यहाँ पर है एट ऑफ वैंड्स, किसी तरह का कॉल लेटर आ सकता है। अगर आपके पर्सन से आपका ब्रेकअप हुआ है, बातचीत नहीं हो रही है, तकलीफ़ में है, तो आपको कॉल या मैसेज आ सकता है आपके पर्सन की तरफ से। किसी तरह की पार्टी, किसी तरह का सेलिब्रेशन में आप मिल सकते हैं, या आप किसी तरह की सेलिब्रेशन कर सकते हैं अपने, मे बी आप कहीं इनवाइटेड हो, किसी का बर्थडे हो, किसी का शादी हो, किसी के यहाँ कुछ एनिवर्सरी हो, किसी न किसी सेलिब्रेशन में जाते हुए आप दिख रहे हैं। अनएक्सपेक्टेडली कोई सेलिब्रेशन हो सकती है, अपने पर्सन के आने की खुशी में भी आप सेलिब्रेट करते हुए दिख सकते हैं जिनसे आपकी बातचीत ना हो रही हो। द एम्परर, यहाँ पे पेरेंट्स से अगर आप किसी इशू में इन्वॉल्व्ड हैं, पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं लव रिलेशन में, या पेरेंट्स करियर के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए रोक रहे हैं, या कुछ ना कुछ पेरेंट्स का अगर इन्वॉल्वमेंट है, तो यहाँ पर आप प्रैक्टिकल होकर कुछ डिसीजंस लेते हुए दिख रहे हो। हो सकता है आप अपने किसी बड़े की गाइडेंस लो और कुछ प्रैक्टिकल डिसीजंस लो। बहुत ज़्यादा आप लॉजिकल लग रहे हो आने वाले हफ्ते में, आप दिल से ज़्यादा दिमाग की सुनने वाले हो, पावर में रहने वाले हो। मैजिशियन, कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपकी वो विश पूरी होते हुए दिख रही है। अगर आप में से कोई मैनिफेस्ट कर रहा है, कुछ अफर्म कर रहा है, अफर्मेशन यूज़ कर रहा है, तो यहाँ पर वो सक्सेस होता हुआ दिख रहा है। अगर आप मैसेज का अफर्मेशन यूज़ कर रहे हैं, या लव लाइफ में आप थर्ड पार्टी से बाहर आने का अफर्मेशन यूज़ कर रहे हैं, या आपके पेरेंट्स मान जाएं किसी सिचुएशन में, आप अफर्मेशंस यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ अफर्मेशंस वर्क करते हुए दिख रही हैं। पॉजिटिविटी की तरफ आपके अफर्मेशंस जा रहे हैं, मैजिशियन का कार्ड ये बता रहा है। किसी तरह का प्रपोज़ल आ सकता है आपकी तरफ, किसी तरह का जेस्चर, कोई अपने इमोशंस आपको एक्सप्रेस कर सकता है, कोई अपनी फीलिंग्स आपको बता सकता है, कोई पर्सन जिनका आप बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं, मे बी आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो या लेस कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो, वो आपकी तरफ कॉल मैसेज करके अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये एनर्जी यहाँ से दिख रही है। देखते हैं कि मेजर अरकाना से क्या कार्ड्स आए हैं हमारे पास। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, ओके, लेट्स चेक। फर्स्ट कार्ड है जजमेंट, सेकंड कार्ड है टावर। यहाँ पर भगवान की तरफ से किसी तरह का बड़ा जजमेंट होता हुआ दिख रहा है आने वाले हफ्ते में। कुछ ऐसे लोग जो आपको सर्व नहीं करते, वो आपके लाइफ से बाहर निकल सकते हैं, या आप खुद उन्हें कट ऑफ कर सकते हैं।
किसी तरह का बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आता हुआ दिख रहा है। अगर आप किसी तरह की थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट में हैं और थर्ड पार्टी की वजह से आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, आपको जस्टिस नहीं मिल रहा है, तो यहाँ आपको जजमेंट किसी तरह का बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आता हुआ दिख रहा है। हेल्थ का बहुत ध्यान रखें, यहाँ पर किसी तरह का ब्रेक थ्रू आता हुआ दिख रहा है। ठीक है, कोई जजमेंट मतलब भगवान की तरफ से होगा, वो इंसान की तरफ से नहीं होगा, ये भगवान की तरफ से किसी तरह का जजमेंट आता हुआ दिख रहा है। द लवर्स, आप में से जो लोग सेपरेशन में हैं, नो कॉन्टैक्ट में हैं, रीयूनियन होता हुआ दिख रहा है। भगवान हर एरिया ऑफ फील्ड में आपके साथ है, यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है। अगर आपके ऊपर कोई लीगल केस चल रहा है या आपका कुछ इश्यूज़ है तो वहाँ पे भी आपको जजमेंट होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर किसी तरह का निर्णय, या तो आप कोई बड़ा डिसीजन ले सकते हैं, किसी तरह का ब्रेक थ्रू आपके लाइफ में आ सकता है, या आप कुछ ख़त्म करने का डिसीजन ले सकते हैं भगवान की मर्ज़ी से। रीयूनियन के लिए बढ़ते हुए दिख रहे हैं। अगर आपके पर्सन किसी तरह की थर्ड पार्टी में है तो वो किसी तरह का टावर मोमेंट आ सकता है उनके लाइफ में, और वो भगवान की तरफ से जो कि डेस्टाइंड है। द स्टार, अभी हमने देखा मैजिशियन का कार्ड आया था, आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो वो पूरा हो सकता है, और यहाँ से द स्टार का कार्ड है, मतलब डेफिनेटली आपकी वो इच्छा, आपका वो अफर्मेशन, आपका वो जो भी विश है, मनौती है, दुआ है, वो कबूल हो सकती है। द एम्प्रेस, जैसा कि हमने पहले देखा, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, फाइनेंशियल गेन, या घर खरीद सकते हैं, या प्लॉट बुकिंग कर सकते हैं, या गुड न्यूज़ आ सकती है, प्रेगनेंसी, कोई बच्चा, बच्चे से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ आ सकती है। साथ ही साथ यहाँ पर रिश्ता पक्का हो सकता है, अगर आपकी रिश्ते की बात चल रही है तो कोई गुड न्यूज़ आ सकती है रिलेशनशिप से रिलेटेड। फिर यहाँ पे है द वर्ल्ड, अचानक से अनएक्सपेक्टेडली आप ट्रैवल कर सकते हैं, मे बी एक प्लेस से दूसरे प्लेस आपको जाना पड़ सकता है, या अचानक से आपका कोई प्लान बन सकता है, या किसी तरह का सेलिब्रेशन, किसी के यहाँ आप इन्वाइट हो सकते हैं। यहाँ पे एक जर्नी एंड होते हुए भी दिख रही है, अगर आप किसी कार्मिक साइकिल में हैं या आपके पार्टनर किसी कार्मिक सिचुएशन में हैं तो वो कर्मा एंड होते हुए दिख रहा है। लास्ट कार्ड है डेविल, किसी की नज़र लग सकती है, किसी की बुरी नज़र आपके ऊपर हो सकती है, तो इसके लिए डेफिनेटली अगर आपको लगता है कि आपके घर में किसी की नज़र लगी है तो महादेव का मंत्र ज़रूर चैंट करें, लगाएं। साथ ही साथ अगर आप दूसरे रिलीजन से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर अपने घर में रॉक सॉल्ट डालकर पानी में अपना घर साफ़ करें, सेंधा नमक बोला जाता है हमारे यहाँ, कई लोग रॉक सॉल्ट नाम से जानते हैं, तो जिस भी पानी से आप घर साफ़ करते हैं उसमें रॉक सॉल्ट डालकर डालें, ताकि आपके घर से अगर कोई नेगेटिव एनर्जी है, किसी तरह का किसी की नज़र लगी है, किसी का ब्लैक मैजिक है, तो वो दूर हो जाए। सतर्क रहें। यहाँ पर आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो किसी तरह के टॉक्सिक रिलेशन में हो सकते हैं, उस टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर आते हुए दिख रहे हैं। अगर आप किसी कार्मिक पार्टनर के साथ हैं, कोई ऐसा पर्सन जो आपको अब्यूज़ करता है, जो आपके साथ अच्छा बिहेवियर नहीं करता, या जो आपके रिलेटिव हों कोई ऐसे, तो किसी न किसी कर्मा से बाहर आते हुए भी दिख रहे हैं। इस डेविल एनर्जी का नाश हो सकता है, इस तरह की एनर्जी दिख रही है। अनएक्सपेक्टेडली ये चीज़ें आपके लाइफ में हो सकती हैं आने वाले हफ्ते में। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी जिसके सामने आएगी उसके आने वाले हफ्ते से रेजोनेट करेगी। लुक फॉर अ साइन, अगर कोई ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है या आप किसी जर्नी में हैं, सोल जर्नी में हैं, तो यहाँ पर आपको एंजल्स, यूनिवर्स, साइंस या सिंक्रोनिसिटीज़ दे रहे होंगे। मिरर नंबर्स, रिपीटेड नंबर्स ध्यान दें और उन नंबर्स के अकॉर्डिंगली अपने लाइफ में चेंजेस लाएं। बिग हैप्पी चेंजेस, आपके लाइफ में जो बुरा वक्त था टल जाएगा, आगे आने वाला समय बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। बिग हैप्पी चेंजेस। ट्रस्ट, विश्वास करें, पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव एफर्मेशंस यूज़ करें। रोमांस, यहाँ से द लवर्स का कार्ड आया है और यहाँ से रोमांस का कार्ड आया है। डेफिनेटली आप में से कई लोग, बहुत रोमांटिक साइकिल बहुत अच्छी हो सकती है, अपने हस्बैंड वाइफ के बीच में प्यार हो सकता है, लव रिलेशन में रीयूनियन होता हुआ दिख रहा है। मेडिटेशन ब्रिंग आंसर, मेडिटेट करते रहें, खुद को काम, कंपोस्ट, कूल रखें। मेडिटेशन में आपको काफ़ी बातों के जवाब मिल सकते हैं। आस्क योर एंजल्स, अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं तो अपनी परेशानियों को एंजल्स को बता दें। आप जिस भी फील्ड से रिलेटेड अगर आप परेशान हैं, बिजनेस, करियर, एजुकेशन, ग्रोथ, सक्सेस, लव लाइफ, रिलेशनशिप, एंजल्स हमेशा आपके साथ होते हैं, उन्हें अपनी तकलीफ़ बता दें और रिलीज़ कर दें सारी नेगेटिविटी को। तो ये था इस हफ्ते आने वाला अनएक्सपेक्टेड न्यूज़।
अगर आने वाले हफ्ते में किसी भी तरह की आपको लगता है कि मेरी रीडिंग से रेजोनेट होती हुई एनर्जी आपके लाइफ में होती है तो ज़रूर हमेशा की तरह मुझे बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो लाइक ज़रूर करें, चैनल पसंद आया हो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।